तो हेलो फ्रेंड्स, वो दिन आ चुका है, कल आप लोगों का पहला बोर्ड का पेपर है। ये उन लोगों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है जिन्होंने क्लास टेंथ में बोर्ड का पेपर नहीं दिया था, और मेरी तरफ से और पूरी टीम की तरफ से आप लोगों को बेस्ट ऑफ लक। और ये देखिए मैसेजेस। हेलो स्टूडेंट्स, अब जिस चीज की तैयारी आप इतने दिनों से कर रहे थे वो समय आ गया है। एग्जाम्स बस अब पास है और आपको जल्दी ही एग्जाम्स में अपियर होना है। एग्जाम देना एक आर्ट है। आप कैसे लिखते हैं उस समय आपका मोटिवेशन लेवल क्या है इस पर बहुत कुछ डिपेंड करेगा कि आपका रिजल्ट कैसा हो। बहुत मोटिवेटेड रहिएगा, कॉन्फिडेंस में रहिएगा और पेपर को बहुत अच्छे से करके आइएगा। बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है और पेपर देने के बाद उसको ज्यादा डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप लाइंड अप हैं और बहुत सारे पेपर्स के लिए। तो पेपर देकर आइए अच्छे से अच्छा, और हम सबकी तरफ से ऑल द वेरी बेस्ट। हेलो एवरीबॉडी, सो And my name is Gunga Nima, and I am from Himachal Pradesh and Dharamsala. So today I met my friend, and just met right before. His name is Mukesh Asedia, and I like to share with you what is my feeling, and because I love India, and this country is very great country. So yeah. Exam is very important. It's not for fun. It's not joke. You know, it's like connected to the lifestyle and your future life and your every your life. Yeah, it's not a few hours or it's not a few months. So it is your lifestyle. So you don't think it's only short time. Yeah, it's. Human life and humanity and compassion, kindness. So that's why exam is not only this year, not only next year, all of our life. So I best wish to you, and you have to do very good. Best wish to you. You have good result. Hi guys, all the best for your exams. अच्छा करें, ध्यान से करें, टेंशन मत लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ऑल द बेस्ट। तो फ्रेंड्स, आप लोगों ने अभी सारे मैसेजेस सुने, बेस्ट ऑफ लक मैसेज सुने, ऑल द बेस्ट मैसेज सुने। सभी लोग, आपके पेरेंट्स, आपके वेल विशर्स, आपके टीचर्स, आपके मेंटर्स आपको विश कर रहे हैं कि आपने अच्छा करना है। और आप 10 बजे तक या 10:30 तक अपने आप को रैप अप करिए, अच्छी स्लीप ले लीजिए। सुबह उठने के बाद खाली आपने कुछ ज्यादा नहीं पढ़ना है, खाली अपने नोट्स को एक बार देख लीजिएगा। और एग्जाम सेंटर पर जब आप पहुंचेंगे, एक तो एग्जाम सेंटर पर टाइम पे पहुंचेगा, जब आप एग्जाम सेंटर पर पहुंचेंगे तो ध्यान रखिएगा आपने ज्यादा बात नहीं करनी किसी से, और वहां पढ़ना नहीं है, क्योंकि वहां पर ऐसा होता है, माहौल बना होता है, भाई तू ये करके लाया है, मैंने ये नहीं करा, मैंने ये छोड़ दिया, मैंने ये करा, वो गॉसिप चलेंगे। थोड़ा मोटा गॉसिप में आप पार्टिसिपेट करते हैं, ज्यादा टेंशन मत लीजिएगा किसी की बात सुन के। जब आप अपने एग्जाम को दे देंगे 1:30 के बाद, जब आप एग्जामिनेशन हॉल से बाहर निकलेंगे, अपना पेपर मत डिस्कस करिएगा। और अगले पेपर के लिए बेस्ट ऑफ लक, विशिंग ऑल द बेस्ट हमारी टीम की तरफ से। ऑल द बेस्ट।